सर्कल ऐसा कम क्लोजर बट मेक इट सेमी सर्कल ऐसा। हाँ अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें बीसी लिखा है। अभी आज से आपको मालूम पड़ेगा बीसी मतलब किसके ऊपर ये यूज़ करना है। क्लास बी फायर, क्लास सी फायर। तो क्लास ए मतलब ये लकड़ी पिकड़ी के ऊपर नहीं है, लेकिन डेमो पर्पज़ आपको मॉक करके दिखा रहा है। डेमो पर्पज़ लकड़ी पकड़ी के ऊपर ये यूज़ नहीं करना है, ओके। और ये इधर लिखा है, इसमें भी बीसी लिखा हुआ है। ये है ना, इसमें पेटेंट यूज ऑन दिस, ओके। क्लास ए मतलब ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल, सॉलिड कम्बस्टिबल, ओके। ये भी वही है ए बी सी। अच्छा ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। इसमें ए बी सी मतलब यू कैन यूज ऑन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ओके। अब इसमें आप थोड़ा टाइम लोगे, थोड़ा टाइम, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है, हाँ मैडम, थोड़ा ओके। तो क्या करना है, कैसा करना है, सबसे पहले चेक प्रेशर गेज। देखो इसमें, इसके अंदर पाउडर रहता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड बी डन, चेक प्रेशर गेज। प्रेशर गेज देखो, प्रेशर गेज आपको देखना है। प्रेशर गेज उसमें देर आर थ्री जोन्स, ओके। फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड रेड, ओके। दैट मीन्स इट शुड बी इन विच जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन मीन्स सेफ, दैट इज आवर कलर कोड। सो इफ इट इज इन फर्स्ट रेड जोन, दैट मीन्स इट हैज बीन यूज्ड, इट हैज बीन यूज्ड। So you should not use such type of DCB extinguisher or any extinguisher. If it is on third red zone, also you should not use that because it is over pressure. तीन zone है बकायदा, उसमें पहला लाल है, दूसरा हरा है, तीसरा लाल है। वो तीनों में से हरा zone पे ऊपर यदि pressure दिखा रहा है तो ये वापरने लायक है। इसका मतलब है ये आप वापर सकते हो किसी भी कारण हुआ, यदि पहला जोन में चला जाता है या लास्ट जोन में रेड में, तो आपको ये वापर नहीं सकते, वापरना नहीं है। तो पहला ऑपरेटर का यही काम है, इसके ऊपर यही लिखा हुआ है, ओके। देन होल्ड अप राइट एंड पुल आउट सेफली विथ, या आपको ऐसा ऑपरेट नहीं करना है, ऐसा ही रखना है, ओके। यहाँ आप देख रहे हो ये टैग है, सेफ्टी टैग है ये, इसको आपको निकलना है। बाद में ये अंदर स्टॉपर है, स्टॉपर निकलना है, और ये पिन निकलना है, सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन निकलना है, टैग निकलना है, और ये निकालने के बाद आपको जितना हो सके उतना आप अंगार के पास जाना है, अपराइट रख के इसको ऑपरेट करना है, आपको स्वीप करना है, ओके। ये हो गया ए बी सी टैग, मतलब इसमें पाउडर ही है, पाउडर है, ओके। और ये जो है, ये कहाँ भी आप देखोगे, ये वाला ब्लैक हॉर्न, किधर भी जाओ आप, बाहर जाओ, इधर आओ, किधर भी जाओ, ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों वापरते हैं, क्योंकि वो ना खुद जलता है ना जली को मदद करता है, ओके। इसी और ये इससे क्या होता है, चाय भी हम लोग वापरेंगे, वहाँ का ऑक्सीजन बाजू चला जाएगा, कवर हो जाएगा, और फायर ट्रायंगल जो है कोलैप्स हो जाएगा और अंगार बुझेगा, ओके। सो इसको क्या CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड CO2 रहता है, लिक्विड CO2 प्रेशराइज किया हुआ। इसका भी वापरने का तरीका क्या है, देखो सबसे ऊपर है सेफ्टी सील है, सेफ्टी सील निकालना है आपको स्क्वीज करके, बाद में पिन निकालना है, और बाद में अंगार के पास जाके जितना हो सके उतना, ओके। ये आपको जैसा पानी का नल खोलते हैं वैसा ऑपरेट करना है, ओके। ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, नॉर्मली ये एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर बहुत फायदेमंद है, जहाँ आप लाइव इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर पानी नहीं मार सकते हैं,
शॉक लगने की चांसेस है, तो ये इससे क्या होता है, ये मारोगे डायरेक्ट लाइव इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर तो आपको चांसेस नहीं लगेगा, आपको शॉक भी नहीं लगेगा, देयर आर नो चांसेस। ओके, तो ये है CO2 एक्सटिंग्विशर। और भी बहुत कुछ होते हैं, एक वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, बाद में फोम एक्सटिंग्विशर भी रहता है, फोम झाग फेस ओके, वो भी रहता है। DCP तो आपने देख दिया, और पहले ज़माने में ये था कौन सा, हेलन एक्सटिंग्विशर, लेकिन वो हेलन एक्सटिंग्विशर अभी बैन किया हुआ है। क्यों बैन किया हुआ है कि कौन बता सकता है, हेलन एक्सटिंग्विशर बैन किया हुआ है, आप वापर नहीं सकते, डैमेजिंग द ओजोन लेयर, या इट इज डैमेजिंग द ओजोन लेयर। हाँ, हेलन में देखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ओके, उसमें से फ्लोरीन आप निकालो, फ्लोरीन देखो ये भी 10वीं 12वीं में हम लोग पढ़े हैं, 10th में या 12th में, ये हैलोजन क्या क्या है, सो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसमें से फ्लोरीन एक छोड़ोगे आप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिनमें भी है वो ओजोन लेयर को डैमेज करता है। और ओजोन लेयर क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या अहमियत है, आप सबको मालूम है ओजोन लेयर का काम क्या होता है, या सूरज से जो भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं उसको लेना, और उसके बदले स्वच्छ साफ सुथरा ऑक्सीजन नीचे ये करना, सप्लाई करना। ओके, तो यदि वो डैमेज हो रहा है तो डायरेक्ट सनलाइट अपने बॉडी के ऊपर गिरेंगे या समुंदर के पानी के ऊपर गिरेंगे तो स्किन कैंसर होने के चांसेस है, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डेंजर में आ सकता है। ओके, तो इसके लिए वो हेलन बैन कर दिए, उसके बदले अभी FM 200 वगैरह आए हैं जो अल्टरनेटिव है। तो अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक ऑपरेट करेंगे, पहला फायर सेट करेंगे। अच्छा ध्यान में रखो, ये किसी कारणवश बड़ा होता है तो भी ये काम का नहीं है, और जब भी ऑपरेट करते हो तो पूरा एक साथ ऑपरेट करना है, जब भी एक्चुअल फायर रहेगा तभी। ओके, कौन आ रहा है आपके यहाँ से, एक दिन आ जाओ, आ थोड़ा पीछे चलो, ए बाजू में एक जन आ जाओ, सबको चांस नहीं मिलेगा, एक बाजू में पटेल है, थोड़ा थोड़ा बाजू लगेगा, अच्छा मैंने अंगर एक्चुअल जब अंगर होता है तभी पूरा खाली करने को बोला है, यार डेमो पर चालू है, दूसरा ले लो, बाकी क्या कर रहे हो देखो, कुछ नहीं बस ये दूसरा ले सही है।
Why it is called as ABC type? Because we can use on either A type, B type or C type file. C class, A class, B class or C class. Now here it is mentioned only B and C. Let us see. It is B and C. Okay? So extinguisher ki type ek water type hai jisme pani rehta hai. Okay? It is for class A. Dusra hai TCP type hai. Dry chemical powder, usme dry powder rahega, chemical rahega. Aur tisra foam type. Foam type, foam rehta hai. Foam compound pressure rehta hai. Bahar se hawa वेंचुरी इफेक्ट से हवा जाएगा और फोम तैयार होगा. ओके, उसके बाद ये CO2 टाइप है. CO2 आप जहाँ भी देखो ये काला वाला हॉर्न, तो आप समझ जाना है कि ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. इधर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ना तो ये खुद जलता है, ना ये जलने को मदद करता है. इसीलिए इसको इनर्ट गैस है. ये आप जहाँ भी आंगन लगाए वहाँ छोड़ोगे तो वहाँ का ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ओके, और ये गैस रहने की वजह से ट्रायंगल कोलैप्स हो जाएगा और आंगन बुझ जाएगा. इसमें और एक फ़ायदा है, इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर आप बिना स्विच ऑफ करके ये आप चला सकते हैं, क्योंकि आप ये मारने के बाद आपको शॉक नहीं लगेगा. जैसे कि आप पानी मारोगे तो आंगन शॉक तो जरूर लगेगा इलेक्ट्रिकल लाइव इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर. ओके, तो ये ज़्यादातर हम लोग सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर ये ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसमें लिखा है पी और सी. ए के ऊपर ये फायदेमंद नहीं है, ये फायदेमंद है ए बी सी के ऊपर. ओके, फिर भी और डेमो पर्पज वी विल यूज़ दिस बोथ टाइप. ओके, सो इसमें आप यदि थोड़ा भी टाइम निकालते हो तो ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कैसा ऑपरेट करना है. ओके, तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपको ये प्रेशर गेज देखना है. प्रेशर गेज देखो, ये घड़ी जो है ना घड़ी, प्रेशर गेज देखना है. प्रेशर गेज आप देखोगे देर आर थ्री जोन्स, टू रेड जोन्स, वन ग्रीन जोन. सो इफ यूर दैट नीडल या इंडिकेटर लाइज ऑन फर्स्ट रेड जोन, दैट मीन्स इट हैज बीन यूज. वापरलेले एक्सटिंग्विशर कुठे रे? वापरलेले एक्सटिंग्विशर रे? पीटी जॉन, देखो आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपको ऑपरेट करने के पहले वो प्रेशर गेज देखना है. यदि प्रेशर गेज के ऊपर लिखा, देखो अभी ये फर्स्ट रेड जोन में है, आपको बिना टच किए हुए आपको मालूम पड़ना चाहिए रेड रेड के ऊपर है तो ये वापरा हुआ है या प्रेशर कम हुआ हुआ. तो ऐसा सिलेंडर आपको यूज़ कभी नहीं करना है. मतलब आपको तुरंत आपके बॉस को बता के वहाँ से रिप्लेस करवाना है या रिफिल करना है. ओके, ये पहला रेड जोन, बीच का ग्रीन जोन और लास्ट का रेड जोन. सिमिलरली लास्ट का रेड जोन के ऊपर भी यदि आपका नीडल दिखा रहा है इंडिकेटर तो भी वो यूज़ करना नहीं. इसका मतलब क्या है? ओवर प्रेशर है ऐसा, ये डेंजरस है, आप यूज़ नहीं करना. ऐसा तो 99.99% होने चलता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है. हाँ, तो आप ऑपरेट करने के पहले रेड जोन के ऊपर है क्या देखने का. बाद में आपको इसमें जो सेफ्टी टैग है, ध्यान दो, ये देखो सेफ्टी टैग है, वो निकालना है. उसके बाद ये सेफ्टी पिन निकालना है. बाद में ये स्टॉपर है, स्टॉपर निकालना है. जहाँ अंगार है जितना हो सके उतना नज़दीक जाना है. अपना सेफ्टी का ख्याल रखिए और पूरा एक्सट्रीमिट पूरा वापरना है, भले अंगार थोड़ा ही हो. यहाँ हम लोग डेमो पर्पज के लिए थोड़ा थोड़ा ऑपरेट करेंगे. ओके, ये हो गया ए बी सी टाइप, मतलब क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर के ऊपर यूज़ करना है. ये क्लास बी और क्लास सी के ऊपर ही यूज़ करना है. इसका ऑपरेशन उल्टा उससे भी अच्छा है. आपको इस सेफ्टी सील जो एकदम नरम है वो स्क्वीज करके निकालना है. बाद में सेफ्टी पिन निकालना है बाहर. बाद में जैसा हम लोग पानी का नल चालू करते हैं, ये हॉर्न एक में हाथ में रखना है, नज़दीक जाना है और ऐसा ऑपरेट करना है. तो आप में से एक जन आ जाओ, हम लोग यहाँ एक जन आ जाइए, थोड़ा भी पीछे आ जाओ,
आप आ जाइए। अभी देखो डायरेक्शन हवा का, यहाँ से इधर है, इधर नहीं खड़ा होना है आपको, यहाँ खड़ा होना है। अभी कुछ टाइम समय इधर आ रहा था तो इधर खड़ा होकर उन्होंने अप्रोच किया, तो आप ले लो। पहले क्या करो, अंगार की नदी करके पहले टैग टैग उठा दो, टैग टैग हटा दो, पकड़ो। हाँ निकल गया, बाद में सिर्फ सीटी निकालो, सिर्फ ये कपड़ भी निकल गया। अभी प्रेस मत नहीं करना, यहाँ से खड़ा कर ताकि नजदीक जाओ, और हाथ भी पकड़ो, ये पहला ये निकालो, ट्यूबिंग निकालो बाहर, ट्यूबिंग हाँ, एंड में पकड़ो, एंड में पकड़ो, कुछ नहीं होता है ये। हाँ थोड़ा आगे पकड़ो, हाँ अपडेट करो, प्रेस करो, प्रेस स्वीप करना, स्वीप स्वीप। इसको कभी हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो जल जाओगे। इसका टेम्परेचर -79 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस जो आइसक्रीम वाला देता है देखो साइड में, इसका -79 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। उधर हैंडल में पकड़ो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जाओ नजदीक जाओ, ये उठाओ नजदीक जाओ। अच्छा बहुत लोगों ने पूछा कि वो ऑयल फायर का डेमो चाहिए था, तो ऑयल लाना, ट्रे लाना, इसके वजह से रह गया। मैं इधर समझाता हूँ, ऑयल में जब भी अंगार लगता है तभी आपको ऑयल में जेट डालना नहीं है, कंटेनर के ऊपर साइड में जो कॉर्नर है उसके ऊपर जेट डालना है, फोम या कुछ भी है डायरेक्ट आप जेट डालोगे तो स्प्लैश हो जाएगा, ओके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो नॉर्मली ऑयल फायर के ऊपर फोम डालते हैं, फोम फेस झाग, तो वो आपको कंटेनर जो अपना बर्तन है, बर्तन के साइड में जो वॉल है ओके, उसका कॉर्नर में मार के आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड अप हो जाएगा। डायरेक्ट आप मारोगे तो चांसेस है कि बाबा स्प्लैश होके अपने बदन के ऊपर आ जाएगा। तो अभी जब तक सर आ रहे हैं तब तक क्वेश्चन आंसर्स, जो भी कुछ आपके दिल में है क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके दिल में कुछ शंका है, कुछ भी है छोटा छोटा, तो आप पूछा करो, मैं ट्राई करता हूँ उसका आंसर देने का, ओके। सुबह से अभी तक जितना भी मेरे से सुना आपने, कुछ भी डाउट है और इसके अलावा कुछ है सो काइंडली फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। हाँ कशा से, एक्चुअली तो आपका हिसाब नहीं है, इतना सब्जेक्ट नहीं है, पण परत एकदा सांगतो, हिंदीमध्ये सांगितलं आता मराठी सांगतो, तर छोटे मोठे हे भूकंप पृथ्वीतलावरती होत असतातच, आणि हे काय माहिती मी स्वतः फायर इंजिनिअरिंगमधून नाही शिकलो, हे पण आपल्या सायन्समधून आहे। तर जी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, जे लाईव्ज आहेत, ते भूकंपामुळे जमिनीमध्ये गाडले जातात। बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही बघताय टेकडी झालेली आहे आणि दऱ्या झालेल्या आहेत, हे भूकंप होतात, मोठमोठे भूकंप जेव्हा होतात